यूपी में इनकाउंटर और बिहार में बवाल। यूपी में दो दिनों में जिस तरह घटनाक्रम निकलकर सामने आए हैं, उसका साइड इफेक्ट बिहार में भी दिखने लगा है। दरअसल बिहार और यूपी आपस में सियासी गुतिया है। दोनों ही जगह कास्ट पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक के नेचर एक जैसे हैं। ऐसे में बिहार में जंगल राज का मामला उठता है तो यूपी में इसकी धमक सुनाई पड़ती है, और यूपी में जब किसी तरह का मामला सामने आता है तो बिहार में सियासत अंगड़ाई लेने लगती है। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यूपी में दो दिनों में अतीक और उसके बेटे समेत चार अपराधी मारे गए और इसकी सियासी धमक बिहार में सुनाई पड़ने लगी। आप कह सकते हैं कि यूपी के एनकाउंटर का सियासी बवाल बिहार में हो रहा है। यूपी में जिस तरह से अतीक को पुलिस कस्टडी में रहते अपराधियों ने मार गिराया, इसकी चहुओर निंदा हो रही है। प्रशासन की किरकिरी हो रही है। लोग कह भी रहे हैं कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर सही था, इसके लिए यूपी पुलिस की वाहवाही भी हो रही है। लेकिन किसी की पुलिस कस्टडी में अपराधियों द्वारा हत्या किया जाना वहां की पुलिसिया शैली पर सवाल खड़ा करता है। उसकी भद भी पिट रही है। दरअसल यूपी में 13 अप्रैल को हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसके साथ ही उसका दोस्त गुलाम भी मारा गया। इसे लेकर यूपी एसटीएफ की चारों ओर वाहवाही हो रही थी। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश की भी खूब चर्चा तेजी से हो रही थी। नेशनल मीडिया तक में इस बात की चर्चा होने लगी कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से फेमस अमिताभ यश कहीं और के नहीं बल्कि बिहार के रहने वाले हैं। वे बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं और इस शोर के अभी थमे हुए ठीक दो दिन भी नहीं हुए थे कि यूपी में एक बार फिर घटनाक्रम हो गया, और वो भी बहुत बड़ा। इस बार अतीक अहमद की हत्या हो गई। अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और उसे पिछले सप्ताह ही कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कल रात उसे मेडिकल टेस्ट के लिए बाहर निकाला गया था। उसके साथ अतीक के सजायाफ्ता भाई को भी बाहर लाया गया था। तभी पुलिस कस्टडी में रहते हुए तीन युवकों ने भरी भीड़ में दोनों को गोलियों से भून दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर यूपी में तो सियासी तूफान मचा ही है, बिहार में भी कम सियासी बवाल नहीं हुआ है। इसे लेकर बिहार में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी से लेकर हम पार्टी भी अपने अपने अंदाज में बयानबाजी कर रही है। आइए पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात करते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने दो दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कब किधर डोल जाएंगे नहीं कहा जा सकता। उनकी सियासी नैया हमेशा इत उत डोलते रहती है। लेकिन यूपी में पुलिस कस्टडी में हुई अतीक अहमद की हत्या पर जीतन राम मांझी ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही बीजेपी की ओर से की जा रही धर्म की राजनीति पर भी सीधा हमला बोला है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बोल रहे थे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, हम बिहार के लोग चाहे जितना आप लोग कह लें, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बनिस्पत उत्तर प्रदेश के अच्छा है। और वहाँ पर तो अब हॉस्पिटल जा रहा हो आदमी, उसको मारा कान में सट करके आप लोग पत्रकार का रूप धारण करके, पता नहीं आप लोग कोई तो डिफेंस रखे हैं, क्या किए हैं, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं वैसा। तो ये सारी बातें ऐसी आई है कि अकस्मात नहीं कही जा सकती है, कहीं ना कहीं प्लांटेशन हुआ है और जिसके चलते उनकी हत्या हुई है। जो भी हो, उनका भी नाम शोहरत ही था, तो वैसी परिस्थिति में वो इंक्वायरी का विषय है और उत्तर प्रदेश का मामला है, वो जाने। हम लोग सिर्फ बिहार की बात कर सकते हैं कि बिहार में हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में है। अगर कार्रवाई होती है तो उस पर तुरंत ही एक्शन होता है और उद्भेदन होता है। सर, पर बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो इसी तरह यहाँ भी इनकाउंटर होगा। देखिए, बीजेपी क्या करेंगे, बीजेपी ने तो कहा था कि साहब हर साल हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 8-9 साल हो जा रहे हैं, 18 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, मिली है क्या। उन लोगों का कहना था कि हम महंगाई दूर करेंगे, तो जो गैस 400-500 रुपये बैरल मिलता था आज 1100 रुपये मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई भी आसमान छू रही है। और पूरा ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हम उनकी बात को ही दोहराते हैं, अगर आप लोग को हिम्मत है तो इसको दिखलाइएगा, कि जब प्रशासन फेल होने लगता है, कोई भी गवर्नमेंट फेल होती है, तो वो धार्मिकता और सांप्रदायिकता का माने लेता है सहारा। और आज केंद्र सरकार लगभग यही कर रही है, जिससे पता हो सकता है कि भारत सरकार
जो वादा किया था वो वादा पूर्ण नहीं किया है और अलूल बलूल इधर उधर ध्यान भटकाने में लग गई है। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी क्या बोल रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि यूपी से ज्यादा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर बिहार में है, वहां तो पुलिस कस्टडी में ही कनपट्टी में सटाकर गोली मार दी जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है तो वो धर्म संप्रदाय की राजनीति करने लगती है, और यही सब कुछ केंद्र सरकार यूपी में कर रही है। अब आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। नीरज कुमार ने आज ही यूपी की घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, वहाँ के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल उठने लगे हैं, लोग दहशत में हैं, बहन बेटियां खौफ में हैं। जरा सुनिए कि नीरज कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं। प्रयागराज के माथे पर कलंक की गाथा, जो आस्था का केंद्र है, पूरे देश के लोग वहां जाते हैं, और वहां जिस ढंग की घटना न्यायिक अभिरक्षा में हुई है, यह तो साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। पुलिस अभिरक्षा में और न्यायिक अभिरक्षा में भी सुरक्षा नहीं, तो आम आवाम का सुरक्षा का क्या होगा। आम आवाम आज दहशत में है, बहन बेटी घर से नहीं निकल रही है, मन के अंदर में एक भाव है कि कहीं हम भी परेशानी में न पड़ जाएं। ये ऐसे लोग हैं जो महिमा मंडन करते थे, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या जेल को ध्वस्त कर दिया जाए, क्या थाना को ध्वस्त कर दिया जाए, क्या न्यायालय की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए। अरे ये सारी प्रक्रिया खत्म कर कर करके अगर हुकूमत चलाना चाहते हैं तो आम आवाम के जीवन के सुरक्षा के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, प्रशासकीय ढांचा है, उसका क्या होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का यह मसला है, उत्तर प्रदेश सरकार इन तमाम तथ्यों का अवलोकन करे, कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन चिंता का विषय है यह कि पुलिस अभिरक्षा में अगर हत्या हो रही है, मीडिया के लोग वहां थे, अगर घटना के शिकार वह भी हो सकते थे, तो ऐसी स्थिति में जो भी घटना हुई है इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सक्षम जवाब देना होगा। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को सुनाते हैं कि वे यूपी की घटना पर क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, वीडियो तो हमने नहीं देखा है, लेकिन रात में मैंने सोने के पहले तक हमको इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह सुबह मेरी नींद खुली और हम अपने आईपैड में खबर देखने लगे तो उससे हमको जानकारी मिली, और मैंने सदमा मुझको लगा। हम मैंने जिस ढंग से हम देख रहे थे कि मैंने पूरा का पूरा पुलिस बल, मैंने एक फौज समझिए कि उसके संरक्षण में अतीक अहमद को और उनके भाई को ले जाया जा रहा था, हाजिर किया जा रहा था, वैसी सुरक्षा के बीच मैंने कोई गोली मार देगा इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और सबसे आश्चर्य है कि जिसने गोली मारा हो, जिसने जय श्री राम का नारा भी लगाया। देखिए, इसके पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अतीक अहमद ने कहा है कि साहब, हमको एक पुलिस अफसर ने बताया है कि देखो किसी न किसी बहाने तुमको जेल से निकालेंगे और तुमको टपका देंगे, तुमको मार देंगे। ये उसने कहा है। पूछा लोगों ने, मैंने मीडिया वालों ने, किसने आपको बताया? कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक पुलिस अफसर ने हमको बताया। उसने जो कहा 10 दिन पहले कहा, आज जो सच हो रहा है, ये साफ साबित करता है कि ये किस ढंग से हत्या हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो है निर्दोष है, या उसके पहले जो इनकाउंटर हुआ वो इनकाउंटर के बारे में भी मीडिया के लोगों ने कहा कि साहब, जो मोटरसाइकिल थी जिस पर सवार होकर के उसका बेटा या उसके साथी भाग रहे थे, उसमें किसी तरह का खरोंच भी नहीं आया, ये कहा। और लगातार जो है, जो उमेश पाल जो गवाह था राजू पाल के ये में, उसकी हत्या के बाद लगातार जो है 5 आदमी इनकाउंटर में मारे गए, 3 इनकाउंटर हुआ, 2, 5 आदमी जो है मारे गए। तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ मैंने। तो आपने सुना कि महागठबंधन सरकार के नेता क्या कुछ बोले, लेकिन अब दिखाते हैं कि बीजेपी के वरीय नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू क्या कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता को का सिर्फ यही काम है कि सवाल उठाना। आप ये देखिए कि कोई अगर आत्महत्या करने की उतारू है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वहाँ की घटना, जो लोग घटना किया है, समझिए आत्मघाती कदम उठाया है, आत्महत्या किया है। आप दूसरा पक्ष ये देखिए कि यूपी सरकार में प्रशासन का जो एक भय है, वो कानून का जो एक भय है, वहाँ के अपराधियों में व्याप्त है।
घटना करने के बाद भी वो भागने का हिम्मत नहीं किया, वो डर से सरेंडर कर दिया। ये है योगी मॉडल, ये है बुलडोजर का डर। अपराधियों को वहां पर डर है कि अगर हम घटना करेंगे तो हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, नहीं तो हमारा इनकाउंटर होगा, इसलिए अपराधी अपराध करके भी सरेंडर कर दिया। ये है योगी मॉडल। तो आपने ये भी सुन लिया कि यूपी की घटना पर बीजेपी के नीरज कुमार बबलू ने कहा कि विरोधियों का तो काम ही केवल सवाल उठाना है। वे ये नहीं देख रहे हैं कि यूपी में किस तरह अपराधियों को पुलिस का भय समा गया है। बुलडोजर का साफ डर अपराधियों की आंखों में दिखता है। आपने साफ देखा कि अपराधी गोली मारने के बाद एनकाउंटर और बुलडोजर के डर से सरेंडर कर चुके हैं। बता दें कि दो दिन पहले ही यूपी एनकाउंटर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बिहार में भी पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल यूपी की घटना को लेकर एक बार फिर बिहार में सियासी बवेला मचा हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जब तक लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ये सियासी बवाल बिहार में जारी रहेगा। वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये जरूर कह रहे हैं कि बिहार में अब पुलिस को जरूरत से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि इसे सियासी चश्मे से नहीं देखें। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।